क्वेश्चन नंबर 24 है चैप्टर 45 का. ईच ऑफ द रेजिस्टेंसेस शोन इन दिस फिगर हैज अ वैल्यू ऑफ 20 ओम. ऑल दिस फोर आर 20 ओम. अब हमको निकालना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. और सेकंड पार्ट है उसको हम करेंगे. तो इस प्रॉब्लम में जो मेन चीज ये है कि ये एक व्हीट स्टोन बीर ब्रिज की तरह है. और अगर आपने हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज का लेक्चर नहीं देखा है तो इस चैनल के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज को सेलेक्ट कर लीजिए, सर्च करिए और वो वाला हमारा वीडियो आप जरूर देखिए क्योंकि उसमें काफी डिटेल में उसको समझाया हुआ है. बट ब्रीफली हो क्या रहा है कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी को आप ध्यान से देखिए. और यहाँ पे मान लीजिए कि एक्सटर्नली हमने एक बैटरी सोर्स को कनेक्ट कर दिया है और जब हम उस बैटरी सोर्स को डायोड को अभी एक मोमेंट के लिए आप अपने सर्किट से निकाल दीजिए. मान लीजिए कि यहाँ पर डायोड वायोड कुछ भी नहीं है. यहाँ पे डायोड जो यहाँ दिख रहा है ये डायोड यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर बाहर एक हमने बैटरी लगा दी. बैटरी लगा दी तो बैटरी से एक करंट ऐसे करके फ्लो करता है, यहाँ आया, यहाँ से ये करंट को दो डायरेक्शन मिलती है, या तो ये करंट इधर से जाएगा या ये करंट इधर से जाएगा. जब ये करंट इस वाले ब्रांच से फ्लो करता है तो पॉइंट ए और बी के बीच में जो वोल्टेज है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. एक पार्ट में ए, अगर इस पॉइंट को एक्स बोलते हैं तो एक ए टू एक्स का एक वोल्टेज होगा और एक एक्स टू बी का एक वोल्टेज होगा. इसी तरीके इसके स्पेन में कि दोनों 20-20 ओम हैं तो इसलिए दोनों ही जो है वो आधा आधा वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा. ए बी पे जो वोल्टेज होगा वो आधा ए टू एक्स पे होगा, बाकी आधा एक्स टू बी पे होगा. अगर हम इस वाले पाथ पे जाएंगे तो ए टू बी का जो वोल्टेज होगा उसका आधा इस वाले ए टू वाई पे होगा और बाकी वाई टू बी पे होगा. इसका मतलब ये हो गया कि एक्स पर जो वोल्टेज है वही वोल्टेज वाई पर होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ द थिंग्स. तो जब एक्स और वाई पर एक ही वोल्टेज हुआ इसका मतलब ये जो डायोड है ये डायोड के दोनों एंड पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, वो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा. डायोड तब कंडक्ट करता है जब एक्स पे जो वोल्टेज होता वाई की अपेक्षा एटलीस्ट 0.7 वोल्ट ज्यादा होता. जब डायोड में कंडक्ट नहीं करेगा तो इस पे ऑलमोस्ट कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी. जब कॉलम में कोई भी फ्लो करंट फ्लो नहीं करेगी तो इस सर्किट को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक ऐसे सर्किट से इसमें कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है. और ऐसा इसलिए करते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब ए बी के बीच में निकालते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जब यहाँ से मान लिया कि आई करंट फ्लो कर रही तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की क्या डेफिनेशन है, वो है R इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आई. अब V तो हमने कॉन्स्टेंट है, V तो बदल नहीं रहा है, I बह रहा है, लेकिन ये I का बहना यहाँ पे डायोड के रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. तो I सेम रहेगा चाहे हम डायोड लगाएं चाहे नहीं लगाएं क्योंकि डायोड में कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है. डायोड में कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर जो बहने वाला करंट सेम रहेगा. तो इसलिए ए बी के जो है बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वही रहेगा. वो जब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ये डायोड निकाल करके तो हम इसको कर सकते हैं 20 ओम और 20 ओम सीरीज में हो गया, 20-20 40 ओम हो गया, ये 20-20 40 ओम हो गया, 40 ओम और 40 ओम पैरेलल में है, ये पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका आधा हो जाएगा 40/2, ये 20 ओम हो जाएगा. अब जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है दूसरे पार्ट को भी कर लेते हैं. दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि डज इट डिपेंड ऑन वेदर द पॉइंट ए और बी इज एट हायर पोटेंशियल. अब दो केस बन रहे हैं यहाँ पे. एक केस में ए वाला हायर पोटेंशियल पे है और बी वाला लोअर पोटेंशियल पे है. दूसरा केस बनता है कि बी वाला हायर पोटेंशियल पे है और ए वाला लोअर पोटेंशियल पे है. तो एक एक करके ले चलते हैं. जब ए वाला हायर पोटेंशियल पे और बी वाला हायर पोटेंशियल पे है तो ये करंट ऐसे फ्लो करेगी और एक्स हायर पोटेंशियल होगा कंपेयर टू बी के और वाई हायर पोटेंशियल होगा कंपेयर टू बी के, लेकिन एक्स और वाई पे जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा तो इसलिए डायोड कंडक्ट नहीं करेगा. अब अगर हमने बैटरी को उल्टा कर दिया, इधर पॉजिटिव कर दिया इधर नेगेटिव कर दिया तो करंट इधर से फ्लो करेगी और एक्स जो है ए के रेस्पेक्ट में हायर वोल्टेज पे होगा, वाई ए के रेस्पेक्ट में हायर उठेगा, लेकिन एक्स और वाई इटसेल्फ पे वोल्टेज सेम होगा तो इसलिए ये डायोड तब भी नहीं कंडक्ट करेगा. यानी कि चाहे ए हायर वोल्टेज पे हो चाहे बी हायर वोल्टेज पे हो एक्स और वाई पे वोल्टेज सेम होगी, डायोड दोनों ही कंडीशन में नहीं कंडक्ट करेगा. इसलिए दोनों ही कंडीशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उतना ही होगा. एच सी वर्मा की और सॉल्यूशंस हमारे इस चैनल पे मिलता रहेगा और इस चैनल पर आप सर्च करिएगा. अगर आपको डायोड के कॉन्सेप्ट या इस तरीके इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट अगर आपको देखने हैं तो इस चैनल पर आप इसके लिए एक स्टडी मटेरियल पर भी आप पूरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा सर्च करने पे.